हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल विनीता जी के तरीके। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की भी जो हमारी वीडियो है वो भी होली स्पेशल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था होली आने वाली है। तो अभी कुछ दिनों तक हमारी होली स्पेशल वीडियोस रहेंगी। तो चलिए फिर मम्मी से पूछते हैं, मम्मी क्या बना रही है होली के लिए? नमस्कार। आज मैं होली के लिए एक और नया सा चीज़ बनाने जा रही हूँ। जो अलग सी रेसिपी है वो है मैदे के काजू। मैं ये एक इसमें एक कटोरी, कटोरी मैंने मैदा लिया, छना हुआ मैदा था, थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें, कम से कम एक करछी के करीब मौन, ये रिफाइंड वाले हैं। ये रिफाइंड ऑयल है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने एक कटोरी लिया है, आप 1.5 कटोरी 2 कटोरी जितना भी आप लेना चाहें। तुलसी में डालूंगी अजवाइन। 1.5 कटोरी में आपको सवा करछी मतलब आप करछी का देख लीजिए, आपकी करछी छोटी है बड़ी है, बड़ी है तो 1 करछी, छोटी है तो सवा कटोरी, वो सवा करछी। और 2 कटोरी में आप 1.5 करछी आराम से मोन डाल सकते हैं, जिससे आपका ये ऐसे देखिए, इसकी ये पहचान है, इसका आपका लड्डू सा बन जाए। देखिए मैं देखा ऐसे लड्डू हो जाना चाहिए, अगर ज़्यादा मोन होगा तो वो ब्रेक ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको मोन ठीक ठीक रखना है। 1 कटोरी मैदे में, जैसे बड़ी कटोरी है मेरी 200 ग्राम की कटोरी है, आप कप लेते हैं 1 कप ले लीजिए या 1 कटोरी, क्योंकि बहुत आसानी से आराम से घर में सब कर लेते हैं, तो इसलिए उसमें मैंने 1 करछी के करीब इसमें करछी नाप के रिफाइंड रिफाइंड ऑयल ले ऑयल लिया लिया था। था। तो आपको मेजरमेंट ठीक रखना है, वरना आपका ये जो हम आटा मलेंगे, ये जो डो बनेगा वो डेढ़ आपका कटोरी में आप 1.25 करछी रख लीजिए मोन, आपका सही रहेगा। और 2 कटोरी में आप 1.5 करछी, वो आप अपने देख लीजिए, करछी आपकी छोटी है बड़ी है, उस हिसाब से इसमें डालेंगे आप स्वाद अनुसार नमक। इसका आटा कैसा रहेगा? आटा इसका ठीक ठीक रहेगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। पहले आपको ये मोन नमक और ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिला लेनी है। धीरे धीरे अब हम पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी है ये, गर्म नहीं है। मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी सूजी की मठरी, बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनने वाली है, आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने मैदे के नमक पारे मटर भी बना के डाले हुए हैं, ये जैसे आप सूजी की मठरी हमने शॉर्ट्स में बना के डाली थी, वो आप देख सकते हैं। हमारी शॉर्ट्स में भी हम नई नई चीज़ें शेयर करते हैं। बहुत अच्छी हैं। और मटर भी बना के डाले हमने मैदे के नमक पारे, जिसे आप बोलते हैं मटर नमक पारे। और अभी हमने मैदे के करेले कल को हमने वीडियो पोस्ट की थी, वो भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि होली पे काफ़ी सारी वैरायटीज हो जाती हैं, घर पे अगर हम कोई बनाते हैं 5-6 वैरायटी आराम से बन जाती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ आप हर तरह की बना सकते हैं, खाने में भी टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बनने वाली है। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर लीजिए, अच्छे क्योंकि से ये चीज़ें हमें तो आटा ज़्यादातर गूंद लेना है। जितना ज़्यादातर अच्छा आटा गूंदेगा उतना अच्छी आपकी सारी चीज़ें बनती हैं। चीजें ज्यादा त्योहारों पे ही बनती हैं। इनका टेस्ट भी जब ही आता है। इसे मैं 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए गैस पे रख दूंगी, ढक के इतना आटा सेट हो जाएगा। हमें ढक के प्लेट से रख देंगे हम इसको, फिर हम देखते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए ऐसे आपको उसको मलना है। आटा ज़्यादा कैड़ा है ना ज़्यादा नरम। आपका आटा मलते हुए मेजरमेंट ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मम्मी ने आपको बता दिया कि कितनी कटोरी मैदे में आपको कितना करछी रिफाइंड ऑयल डालना है। आप कटोरी का भी नाप ले सकते हैं, करछी का भी, जो भी आपको इजीली हो उस तरह से आप ले सकते हैं। अब हम इसको ढक के रख देंगे प्लेट से 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो चुके थे हमने एक अब, तरफ रिफाइंड ऑयल गर्म करने रख दिया कढ़ाई में कम आंच पे, और इनकी हमने इतने साइज की मम्मी ने इनकी कड़ी तोड़ ली पेड़ियां है। तोड़ ली हैं। काजू थोड़े मोटे ही होते हैं तो हम मोटा ही रखेंगे। हम इसको पहले थोड़ा सा बेलेंगे, पतला नहीं हम बेलेंगे, ठीक ठीक हमें बेलना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा ये।
क्योंकि काजू की जो शेप होती है थोड़ी सी मोटी अब होती हम क्या है। करेंगे? हमने एक ऐसी छोटी कटोरी ले ली है, आपके पास कोई ढक्कन या कुछ है उसको लेके आपको उसको, पूरा पहले आपको टाइट से, बहुत टाइट से आपको दबाना पड़ेगा। अगर आपके पास शार्प कोने हैं जिस चीज में, तो वो तो इजीली से हो जाएगा। ये कटोरी के इतने शार्प कोने नहीं है, तो तो इसको आपको यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखिए ये एक्स्ट्रा आटा हमने निकाल दिया, आप ये ये देखिए देखिए। ये पूरा परफेक्ट हो गया, एक जैसा बराबर से आ गया, क्योंकि वो कहीं से मोटा कहीं से पतला हो रहा था। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी एक शार्प आप ऐसे ढक्कन ले लीजिए, किसी भी शीशी का होता है, ये देखिए। तो इसको क्या करूँगी मैं, पहले इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ से निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा मैंने निकाल के साइड में रखना है। फिर इसी के ऊपर थोड़ा सा गैप में हम काजू की अब कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इससे क्या हुआ, देखिए ये बिल्कुल भी काजू की पूरा शेप परफेक्ट आ गई। ये काजू की शेप आ गई है। ये बाजार में भी मिलते हैं आपको बने बनाए मैदे के काजू, इसी तरह से हम ये और बाकी ऊपर ले के जाके थोड़ा सा इसको, कितनी परफेक्ट शेप आ रही है। हमने इसको इसलिए निकाला था पहले साइड में से कि जिससे जिससे इसकी वो शेप आ जाएगी काजू कर्व। की शेप आ जाएगी। ये देखिए कितनी देखिए परफेक्ट, बिल्कुल जैसे काजू हो। इतने ही वो मोटे होते हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे ही अच्छे लगते हैं वो। अब हम इसी तरह से बेल लेंगे सब, और इसी तरह से अपना काजू बना के रख लेंगे मैदे के, फिर हम इन्हें तलेंगे। ये हमारे मैदे सारे के काजू देखिए कितने अच्छे बन गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना रियल काजू। अब इन्हें हम तलेंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं, अब एक तरफ हमारा तेल गर्म हो रहा है, बहुत इजी है बनाना, हमने आपको बता दिया आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो रहा है, जब ये गर्म हो जाता है हम आपको दिखाते हैं। इधर हम थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर रहे हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें अपने जो मैदे के काजू आपको हैं, फ्लेम आपको कम कर लेनी है। हमें इनको अंदर तक सेकना है। अभी हम कम कम करके ही इसमें डालेंगे, इतने ठीक है, तो हमने अभी इतने ही डाले हैं। इनको हमें अंदर तक सेकना है। तो कम फ्लेम में आप रखिएगा। ये काजू तल रहे हैं इतने, हम यहाँ पे उसका जो मसाला होता है वो हम बना लेते हैं। हम इसको ऊपर से लगाएंगे, ऊपर से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ रहा है। इसमें थोड़ा मैंने सा थोड़ा सा गरम गरम मसाला लिया मसाला, है, थोड़ी सी मैं खटाई लूंगी। आपके पास चाट मसाला या कोई आप वैसा चाट भी मसाला भी मसाला डाल है तो सकते आप हैं। डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे, और फिर जब हम इसको जब डालेंगे, जब हमारे काजू बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए देखिए ये हमारे मैदे के काजू पूरे तैयार हैं। कितने करारे लग रहे हैं, देखिए इनका कलर आपको ऐसे ही रखना है, क्योंकि अभी ये नीचे उतर के भी थोड़ी सी इसमें आँच रहती है, तो वो भी नहीं आएगी इसमें। हमें दूसरा धान भी ऐसे डाल दूंगी इसमें। आपको अपनी मतलब फ्लेम आपका आपको ध्यान रखना है फ्लेम का। ये देखिए मैंने अभी कमी कर रखी है, हमारी क्योंकि आँच तेज है, इसकी तेल तेज है। फ्लेम हमने कम कर रखी है क्योंकि बिल्कुल तेल पक रहा है। देखिए अब हम इसको भी ऐसे कम फ्लेम पे तल लेंगे। ये देखिए हमारे सारे काजू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए अब इसमें हमने जो मसाला बना के रखा था खटाई और गरम मसाले का, वो डाल देंगे इसमें सब पे, अगर ऊपर से आपको आप अंदर नमक कम लगता है तो आप बाहर नमक भी डाल से सकते हैं। डाल सकते हो ऊपर से। आपको अच्छी तरह से मिला लेना है, देखिए कितने क्रिस्पी और कितने करारे हो गए हैं, आपका वासी पता चल रहा होगा। कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। आप मसाले को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मिर्च डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं। देखिए हमारे होली स्पेशल काजू बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। कितने अच्छे लग रहे हैं, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको हमारी छोटी सी रेसिपी कैसी लगी। तो ये थी आज की एक वीडियो, होली स्पेशल वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो, आज की रेसिपी पसंद आई हो। बाय।